है 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी। राजस्थान में 28 जनवरी को होने वाले 90 नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की है। गहलोत ने कहा है कि ऐसा अनुभव है कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है तब कच्ची बस्तियों से लेकर कस्बों तक का समुचित विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान बेहद सफल रहे हैं जिनसे लाखों लोगों की समस्याओं का हल निकला है। कांग्रेस सरकार के दौरान 40 और 30 सालों से अटके जमीनी पट्टों की स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं। बढ़ती आबादी के युग में भी कांग्रेस पार्टी ने शहरों का स्वर्गीय विकास किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपील की है कि जनता इन चुनाव में पुनः आशीर्वाद देकर कांग्रेस के वोट बनाए, अपने कस्बों और शहरों में विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़े। राज्य सरकार विभिन्न समस्याओं को कर प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव नतीजों पर संख्या बल के आधार पर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर जीत का ढिंढोरा पीटा, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो ये झूठ सामने आ गया। कांग्रेस ने बीजेपी के बराबर 98 प्रधान बनाए। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बीजेपी से ज्यादा था। सीएम गहलोत ने कहा कि जब प्रदेश की सरकार और कांग्रेस का संगठन कोरोना प्रबंधन में लगा हुआ था तब बीजेपी नेताओं ने सहयोग करने के बजाय गांव में जाकर भ्रामक प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जनता को गुमराह करने में सफल हो गए। लेकिन इसके 15 दिन बाद ही 50 नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की पोल खुल गई। बीजेपी के जीते पार्षदों की संख्या कांग्रेस और निर्दलियों से भी कम रही। बीजेपी तीसरे स्थान पर पहुंच गई और कांग्रेस ने निकाय चुनाव में स्थान बना लिया। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता सीएम अशोक गहलोत की इस अपील पर कितना स्वीकार करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।